ये कह ही सकते हैं, इनका एक भी कहा सही नहीं निकला होगा। डॉक्टर कहते थे ना 5 साल चलेगी, चली क्या? पहले कहते थे ना बहुमत आएगा, आया क्या? सर कांग्रेस में फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी में सारी जो शक्तियां हैं, सारे निर्णय हैं वो सेंट्रल से होते हैं, जो एक केंद्रीकृत हो गए हैं कमलनाथ की तरफ इशारा करते हैं। देखो कांग्रेस के गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हालांकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन ये भी सच है कि बोलते खरा है। और उनकी पीड़ा, उनका दर्द अगर छलक रहा है तो आप उससे कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हो। कमलनाथ जी ने केंद्रीकृत व्यवस्था कर ली, इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि यहां तो सब कुछ केंद्रीकृत है, एक परिवार के भरोसे ही पूरी पार्टी चल रही है। इसलिए उस संस्कृति को अगर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है तो गोविंद सिंह जी को समझना चाहिए। उनके साथ जब वो वरिष्ठ क्रम में मंत्रिमंडल में नंबर 2 के व्यक्ति थे तब भी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो वरिष्ठ हैं। ऐसे तो वरिष्ठों का ही समूह है, गोविंद सिंह जी 69 के हैं, सज्जन वर्मा 70 के हैं, एनपी भाई 71 के हैं, दिग्विजय सिंह 74 के हैं, कमलनाथ जी 75 के हैं। मैं वृद्धाश्रम की तुलना नहीं कर रहा उनसे, पर मैं वरिष्ठों की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस में सभी वरिष्ठ हैं। सर सरकारी बंगलों का खाली किया है भोपाल में, कई कांग्रेसी नेता कहते हैं कि रहने की जगह नहीं इसलिए सरकारी बंगला हमें दिया जाए, अभी तक नहीं खाली किया। देश की चिंता तो ये करेंगे नहीं, आपके ये इनसे उम्मीद करते हो कांग्रेस से कि देश की चिंता करेंगे? वो कभी अमेरिका की चिंता करेंगे, कभी पाकिस्तान की, कभी चीन की, पर भारत को छोड़ के सब चिंताएं ये कर सकते हैं। ऐसे ही जनता की चिंता छोड़ के ये बाकी सब चीजों की चिंता करते हैं। भोपाल के साथ आपको खाद के लिए, बीज के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मजलूम के लिए कभी आवाज उठाते नहीं मिलेंगे, लेकिन बंगलों के लिए आवाज जरूर उठाते हैं। और भोपाल के कई हिस्सों में 5 दिन का लॉकडाउन किया गया, पूरी जनता को मीडिया में ही कहना पड़ता है। ये पार्टी में तो इनकी कोई सुनता ही नहीं है भाई, यही तो पीड़ा है मैं कह रहा हूँ उनकी। ये बुजुर्ग नेता हैं गोविंद सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, अब इनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है, ये देख के मुझे तो पीड़ा होती है। देखिए 1.5 साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था, थानों की नीलामी होती थी, TI की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी, अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग तो दूसरा TI आ जाता था। सारे अवैध काम, चाहे वो शराब का हो, रेत का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, इस व्यवस्था के बिगड़ने से कारण से फिर लॉकडाउन आ गया। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था, 18-20 मुकदमे इस पे दर्ज थे। ये जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है, अपराधियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान चल रहा है, और ऐसे जितने भी अपराधी जहां भी घूमते मिलेंगे उनके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आएगी। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, पैर में चोट आई है।